क्या आपको लगता है कि हमारे देश में महिलाओं को उतनी आजादी है जितनी पुरुषों को है? आपको भी काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, खासतौर पर अपने स्वयं जितने आपने सपने देखे थे उनको पूरा करने का। हाँ जी, ये मैं मानूंगी, महिलाओं के लिए सफर आसान नहीं होता, चाहे वो निचले तबके की हो या वो किसी भी रिच फैमिली की हो। महिला एक महिला होती है, हर महिला के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपना स्ट्रगल होता है, मगर फिर भी आज मैं अगर हॉल में बैठी हर महिला से पूछूँ कि अगले जन्म में आपको एक ऑप्शन दे भगवान की आप महिला बनना चाहोगे कि पुरुष, तो आप सब क्या बनना चाहेंगे? That is what women are all about. हमारे चैलेंजेस हैं, हमारी स्ट्रगल है, हमारे को बहुत परमिशन देनी पड़ती है, कभी पिता से, कभी पति से, कभी ससुराल से, कभी बच्चों से, मगर फिर भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत कुछ टेस्टिंग भी करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और करते जाएंगे। लाइफ इज नॉट ईजी फॉर वुमेन, बट वी आर सो स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट इन अस कि हम, जैसे कि आप में से किसी वक्ता ने कहा, हमें बहुत वेरिएशन है, हमें पानी की तरह है। आप किसी भी बर्तन में डालें, हम बॉटल में डालें, हम बॉटल की शेप दे देते हैं। आप हमें पतीले में डालें, हम पतीला बन जाते हैं। आप प्लेट में डालें, हम प्लेट की शेप दे देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम एक माँ, बीवी, बेटी पर रोल तो निभा ही रहे हैं, साथ में हम अगर पायलट बोलो तो हम वो भी कर रहे हैं, शिक्षक बोलो तो हम शिक्षक भी हैं, और वैसे सिद्धिया बोलो तो हम वैसे सिद्धिया भी हैं। तो हमारी काबिलियत में कमी नहीं है, मगर हमें चेहराव रुकाव और बाधाओं का बहुत सामना करना पड़ता है, पर हम कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही कहा। स्त्री इतनी सारी भूमिकाओं को निभाती है अपने जीवन में, तो उसकी तासीर ऐसी बन जाती है। आपके हिसाब से मैडम आदमी का कोई रोल नहीं है? सबसे पहले तो आज का जो प्रोग्राम है आदमी ने ही ऑर्गेनाइज कराया है, मैं आपको बता रही हूँ, यही हमारी प्रगति है। अगर हम प्रगति की बात करें तो एक फोटोग्राफर जो मेरी फोटोग्राफी की कर रहे हैं वो भी एक पुरुष है, जो मेरे साथ पैनल में बैठे हैं वो महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो ये दिखा रहा है कि हम आगे बढ़े हैं, मगर ग्रोथ की जो पेस है, जो स्पीड है, वो बहुत स्लो है। जैसे कि उन्होंने बोला अभी कि अभी भी हम स्लोगन्स क्या पढ़ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, ये सब हमारे, ये भी हमारे देश की सच्चाई है। एक दिन खबर आती है कि हमारी महिला पायलट फाइटर पायलट बनी पहले, एक आती है कि मिशन मंगल पे वो महिलाओं का पैनल था, मगर अगले दिन खबर आती है कि एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया। तो ये सब जो हो रहा है, तो उसमें अभी काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है। और आपके सवाल का जवाब मैं ये कहूँगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। That's great. But give a huge round of applause. Wonderful, wonderful. Behind every successful man, there is a woman. But behind every successful woman, it's the entire family. क्योंकि एक और है, सबको साथ जोड़कर आगे बढ़े तो वो ज़्यादा खुशी से बढ़ पाती है, ज़्यादा तरक्की कर पाती है। तो आप लोगों के साथ की तो हमें बहुत ज़रूरत है, चाहे वो पिता, पति, बेटे, किसी भी रूप में हो, वो पुरुषों का साथ होना